अधिवक्ता संघ ने रीवा संभाग आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश शासन के अनुभाग रीवा सुधार न्यास मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विभाग द्वारा निर्मित कॉलोनियों की भूमि शासकीय स्वास्थ्य में अंकित किए जाने का विरोध किया है। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि रीवा सुधार न्यास द्वारा निर्मित नेहरू नगर इंदिरा नगर पीके स्कूल के पीछे सिरमौर चौराहे में निर्मित तानसेन कॉम्प्लेक्स प्रमुख डाकघर के पीछे की कॉलोनी भूमि अर्जन के पश्चात कॉलोनियों का निर्माण किया गया। उसके पश्चात हितग्राहियों को भूमि व भवन लीज पर आवंटित किए गए। भूमि अर्जन के पश्चात रीवा सुधार न्यास भूमि स्वामी खाते में रीवा सुधार न्यास के स्वामित्व के रूप में नामांकित नहीं की गई और कॉलोनियां आबाद हो गई। 1993-94 में मध्य प्रदेश शासन एवं रीवा सुधार न्यास को नगर निगम में विलीनीकरण कर दिया गया और अब उक्त कॉलोनियों का स्वामित्व नगर निगम रीवा के पास है, लेकिन यह कॉलोनियां जिन भूमियों में आवासित हैं, यह मध्य प्रदेश शासन के स्वामित्व में अंकित है। इस कारण समस्त भवन स्वामी वर्तमान में अतिक्रमण की श्रेणी में आ गए। इसी तरह से गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विभाग द्वारा निर्मित कॉलोनियां भी हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि 20 वर्ष का लीज रेंट एक साथ पाए जाने पर जिस भूमि में भवन बना है उस भूमि व भवन का भवन स्वामी को घोषित कर दिया जाता है, किंतु शासकीय अभिलेखों में मध्य प्रदेश शासन स्वामी अंकित होने के कारण हितग्राही अधर में लटक जाता है। आइए आपको सुनाते हैं ज्ञापन सौंपने पहुंचे अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे ने क्या कहा है। हम लोग ज्ञापन देने आए हैं रीवा शहर में जो सरकार के विभागों द्वारा निर्मित कॉलोनियां हैं उनके संबंध में कि हम लोग पैसा दे के मकान तो प्राप्त कर लेते हैं और लीज रेंट से जब मुक्त करा लेते तो हमको भूमि संबंधी कोई रिकॉर्ड ही नहीं प्राप्त होता। इस तरह में हालत ये होती कि पैसा भी दे दिया, मकान खरीद भी लिया, लीज रेंट से मुक्त भी करा लिया और ज़मीन के बिना मालिकाना हक के माने रिकॉर्ड में हमारा नाम नहीं चढ़ेगा। अब उसके लिए उस मकान के एवज में ना तो कोई बैंक ऋण देने को तैयार है, न कोई रहन रखने को तैयार है। इस तरह से माने जो भवनों के स्वामी है वो बेचारे परेशान घूम रहे। ये तो गवर्नमेंट का आदेश हो चुका है, रीवा में इसका पालन नहीं हो रहा है। हमने वही कहा है आज कि आप गवर्नमेंट के आदेश का पालन कराइए, जो फ्री होल्ड करा लेते हैं लीज रेंट से जो मुक्त हो गई है उन कॉलोनियों में हितग्राहियों का नाम अंकित खसरे में किया जाए, जिससे वो अपने कम से कम जिस ज़मीन में एक मकान बनाए उसके स्वामी बन सके। क्या मानते हैं कहाँ से गड़बड़ियाँ ये हो रही है? सब प्रशासन में ये जो सिस्टम है उसकी गड़बड़ी है और कहाँ से हो रहा है। जो सिस्टम है वो अपने कर्तव्यों का पालन करता नहीं। अब भुक्तभोगी होते हैं जो भुक्त माने शहर के निवासी हैं जी। कौन कौन सी कॉलोनियाँ ऐसी हैं? हाउसिंग बोर्ड ने जितनी बनाई वो सब और RIT ने जितनी बनाई वो सब, माने कम से कम 1,00,000 नागरिकों के साथ ये हो रहा है। हाँ, एक और मुद्दा है उसमें कि रीवा शहर में आंगनबाड़ी के 194 केंद्र हैं, सरकारी भवन है कुल 14, किराए के नाम पर बाकी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। अब वो कहाँ संचालित है वार्ड वालों को भी नहीं मालूम। आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने माने मकान में आंगनबाड़ी केंद्र का बोर्ड टांग लेंगे, सरकार से किराया भी लेंगे, जो सरकार से जितनी भी सहायता उपलब्ध होती है वो किसी को कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। वो भी हमने कहा है कि भाई कम से कम वार्ड वालों को ये मालूम हो कि हमारे वार्ड की आंगनबाड़ी केंद्र है कहाँ, कार्यकर्ता कौन है और क्या क्या सुविधाएं हमको उपलब्ध है शासन से। इस तरह की जानकारी कोई देता नहीं और महिला बाल विकास विभाग वालों को बोलो तो सुनते ही नहीं। जहाँ ज़मीनें हैं वहाँ कम से कम तो सरकारी आवास पर खोले जाएं, सरकारी ज़मीन पर निर्माण किया जाए और अगर किराए पर भी हैं तो अनाउंस करके मुनादी करके कहीं लगे कि पता तो चले कि कहाँ है आंगनबाड़ी केंद्र।